आप सभी को मालूम होगा कि दीपिका शो इब्राहिम ने फराह खान को अपने घर बुलाया इफ्तार के लिए। फराह खान आ भी जाती है इब्राहिम होम इफ्तार के लिए, और जिस तरह से फराह खान का रूप देखा गया है इफ्तार के वक्त, तो फराह खान को किया जा रहा है ट्रॉल। लोगों का कहना है कि शर्म आनी चाहिए फराह खान को, कम से कम रोजे का इफ्तार का एहतराम तो कर लेती कि सर ढक कर तो रहती। दीपिका हालांकि हिंदू परिवार से है और मुस्लिम धर्म में शादी की है, और फराह खान पहले से ही मुस्लिम है और हिंदू धर्म के लड़के से शादी की। फराह एक मुस्लिम है, इतना तो उसे मालूम होगा कि इफ्तार के वक्त किस तरह से बैठा जाता है, कम से कम सर ढक कर बैठ जाती। तो फैंस का कहना है दीपिका और इब्राहिम के कि हमें नहीं लगता कि फराह का रोजा है। लोगों ने ये तो कहा कि पैसा कमाने की धुन में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें ये भी नहीं मालूम कि इफ्तार के वक्त किस तरह से बैठना चाहिए। सभी के सर पर देखिए आप टोपी है और औरतों के सर पर दुपट्टा है, लेकिन फिर भी इन सबको देखकर फराह को ये अकल नहीं आई कि कम से कम अपने सर पर दुपट्टा रख ले। कम से कम दीपिका को देखकर तो अकल ले आती कि दीपिका हिंदू फैमिली से है और मुस्लिम धर्म में शादी की है, लेकिन दीपिका जब भी किचन में जाती है तो सर ढक कर रहती है, और रमजान में तो ज्यादातर वो ध्यान रखती है, हमेशा सर ढका रहता है, और इफ्तार में भी एक अदब के साथ वो बैठती है। और दूसरी बात ये उठ रही है, जैसे ही दीपिका ने फराह को सलाम किया अस्सलाम वालेकुम, तो फराह ने सलाम का जवाब नहीं दिया, वालेकुम अस्सलाम के कहने के बजाय कहा हाय। तो इस बात पर भी सवाल उठ रहा है कि फराह खान को इतनी अकल नहीं है कि हमें क्या कहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अगर फराह ने हिंदू धर्म के लड़के से शादी की है तो वो अपने धर्म के सारी बातें भूल जाए। तो आपका ये कहना है इस बारे में तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएगा। आप आपसे जानना चाहते हैं, वीडियो पसंद आए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।